उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस्कॉन द्वारा फूड फॉर लाइफ के तहत अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को दोपहर की भोजन की शुरुआत की गई है। बताने की स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस्कॉन संस्था की तरफ से की गई इस पहल की प्रशंसा की है। इसी के तहत उन्होंने संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मरीजों को अस्पताल में भोजन तो उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन उनके साथ आए निर्धन परिजनों को भोजन नहीं मिल पाता है। इसीलिए इस्कॉन की तरफ से प्रत्येक दिन मरीजों के साथ आए परिजनों को दोपहर का भोजन मुहैया कराया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम फूड फॉर लाइफ है, ये हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, इन्होंने 1972 में इसकी शुरुआत करी थी। तो प्रभुपाद जी एक बार एक स्थान पर थे जहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जूठी पत्तलों के लिए कुत्तों से लड़ रहे थे, तो उनको उस दृश्य पे बड़ा वेदना उनको प्रकट हुई और उन्होंने सोचा कि आज जो भी हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं उसमें हम ये सेवा शुरू करेंगे कि आसपास के जो भी लोग हैं जिन्हें भरपूर भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो उनको हम वो प्रसाद सभी को मुहैया कराएं। कि एक काफ़ी दिनों से दिक्कत थी कि हम मरीजों को तो खाना देते हैं हॉस्पिटल में, पर उनके साथ जो गरीब तीवरदार आते हैं उनके लिए खाना नहीं मिल पाता था। इसलिए इस्कॉन की तरफ से अब पर डे जितने भी तीवरदार आएंगे उनको यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। और आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं मेडिकल कॉलेज की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस्कॉन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। उनके जो डायरेक्टर है वो हमारे IIT मंडी के भी डायरेक्टर हैं, बहुत विद्वान हैं और सब लोगों से कंट्रीब्यूशन करके वो भी संस्था को चलाते हैं। और उनका एक प्रस्ताव और है कि हमको दो संस्कृत विद्यालय दिए जाए, तो अब हम उनको दो संस्कृत विद्यालय भी दे रहे हैं। और निकट भविष्य में हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर जगह मिल जाएगी तो खाना फिर यहीं पे बनेगा ताकि गरम गरम खाना सभी को दिया जा सकता है।